हेलो दोस्तों, तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तक आपके 9 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, कक्षा 8वीं की विज्ञान के। ठीक है, एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की साइंस की, अभी तक कितने? 9। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 10वें चैप्टर के बारे में, किशोरावस्था की ओर। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि जंतु किस प्रकार जन्म करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक बढ़ पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं? इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु यानी कि बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क होता है। तो किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। बूजो अपना 12वां दिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूजो और पहेली अपने माता पिता के साथ बात करने लगी। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूजो के कई मित्र जिनसे वह एक वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई इकाई कितनी बढ़ गई। उनमें से कुछ की तो मूछें आने से जोकर यानी कि कार्टून नजर आ रहे हैं। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए, वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है या इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं ना ही बड़े। मैं जिज्ञासा हूँ, क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था में के मध्य इस अवधि का कोई विशिष्ट नाम है? वृद्धि एक प्राकृतिक क्रम है। जीवन काल ही वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था आपकी लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी की टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों के जनन क्षमता का विकास, किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की सबसे लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियां हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। क्रियाकलाप 10.1। निम्न चार्ट में लड़के एवं लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया। कॉलम 2 और 3 में किसी भी व्यक्ति की लंबाई को आपके लड़के लड़की प्रतिशत में दर्शाया गया है, किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरण 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81 यानी कि 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। ये आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं।
अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। देखिए आयु लड़के लड़की 8 वर्ष में ये 72% और लड़कियां 77%। इसी तरह 9 वर्ष में 75% लड़के और लड़कियां 81% लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। इसी तरह से आपका 16 की बात करें तो 98 लड़कों में 99.5 लड़कियों में, 18 में 100% और 100% लड़कियों में, तो 17 की एज में आपका 18 यानी कि 100% पूर्ण लंबाई पहुंच जाती है। पूर्ण लंबाई के लिए गणना सीएम में सेंटीमीटर में वर्तमान लंबाई वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का भाग प्रतिशत है, ठीक है, इंटू 100। उदाहरण के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई इस तरह से निकाल सकते हैं 160 सेंटीमीटर। क्रियाकलाप 10.2, क्रियाकलाप एक क्रियाकलाप 10.1 में यानी कि 10.1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। आयु को एक्स अक्ष पर तथा लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत वाई अक्ष पर लीजिए। अपने आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना में निम्न ग्राफ से कर सकते हैं, या आपकी आयु वर्षों में हो गए, या आपकी पूर्ण लंबाई की प्रतिशत हो गए, ये आपके लड़के ये लड़कियां, देखिए लड़कियां आगे हैं तो लड़के इस तरह। आगे चलते हैं, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ योना आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। पहली, कुछ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलता शरीर सिकुड़ सुडोल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी ना किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित विकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियां पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे हम लोग शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि योना आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों के शारीरिक पेशियों लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था में के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। बात करते हैं स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है। योनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंजियल में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान सामने की वो सुस्पष्ट ओवरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल कंठमणि कहते हैं। ठीक है, लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है।
किशोर लड़कों में कभी कभी स्वरयंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। बात करते हैं स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशील में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशील के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि होने लगते हैं। स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपने स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। जो आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी होने लगते हैं वो एक उम्र के बाद होती हैं। आपने बचपन में नहीं देखा होगा कि किसी को मुहासे हो गए या फुंसियाँ हो गई, नहीं ना? और ये उम्र के ढलने के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ लोग टेंशन में आकर इलाज फलाज करवाने लगते हैं। उसी तरह है कि किसी के बाल सफेद हो जाते हैं तो वो अपना कलर से बुढ़ापा ढक लेता है। लेकिन भाई ये तो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का है, ढक के क्या फायदा? यानी कि जैसा है चलने दीजिए। जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में चित्र 9.1 और 9.3 में दर्शाए गए मानव जन अंगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौनारंभ में नर जनन अंग जैसे कि वेषण शिश्न पूर्णता विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय शाही में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्वोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले ही अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं वन्यप्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। पर आपका गौण लैंगिक लक्षण, आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन होते हैं। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपर बाल अथवा प्यूबिक क्षेत्र भी बाल आ जाते हैं। बूजो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि युवारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन आपका रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वेषण पुरुष हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देते हैं। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारण जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। फिर बात करते हैं आगे जनन विकार प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन
रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वह शरीर के विभिन्न भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन की स्थिति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां, वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि के अनेक हार्मोन स्रावित करती हैं। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनन अंगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में और इस्ट्रोजन आपका स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है। रुधिर प्रवाह में स्थापित किया जाता है, क्या है, रुधिर प्रवाह में ये स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीप्त करता है। पहेली और बूझो अब समझ गए कि यौनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है। जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि यह जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। बात करते हैं मानव जन्म में काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण अथवा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनावस्था यानी कि 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है और यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं से निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग आपका 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनाव आरंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतु रिसाव चक्र नियमित हो सकता है, उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन ना होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है, तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछली अध्याय में पढ़ चुके हैं 9 में। बात करते हैं संति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, लड़का अथवा लड़की। निषेचन अंडाणु अथवा यौनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अथवा गुणसूत्रों में निहित होता है। अध्याय 8 का स्मरण कीजिए। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से दो गुणसूत्र यानी कि एक जोड़ी दो गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं, जिन्हें XY कहते हैं। स्त्री में दो XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार में X गुणसूत्र, दूसरे में प्रकार में Y गुणसूत्र।
याद रखिए, अगर लड़की होगा या लड़का होगा, फीमेल या मेल, ये आपके पुरुष गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है, महिला की नहीं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्म युग्मनज में दो एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा, यानी कि लड़की का जन्म होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में बाई गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा, यानी कि पुरुष होगा। इस तरह से ये आपका पुरुष या आपका स्त्री। तब आप जान गए होंगे कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, ये पूर्णता गलत है, यानी कि निराधार है एवं अन्याय संगत है। तो याद रखिए, पुत्र और पुत्री की जिम्मेदार उसका बाप होता है, न कि उसकी माँ, ठीक है। लेकिन हमारी संस्कृति एक अलग है, हमारा देश का रवैया अलग है, उसमें पत्नी को ही दोष दिया जाता है, ठीक है। तो अपने कभी कभी पत्नी भी कर सकती है क्या, कि पति को दोष दे सकती है उसके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। अरे सही तो बोला यार कि न्यूटन का कभी थर्ड लॉ भी महिलाओं पर भी लागू हो जाता है। अगर मर्द भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो तुम भी तो दो बदले में, तुम भी बोलो कि तुम जिम्मेदार हो। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, चित्र 10.3 का पुनर्अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी है। प्रयोग पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी मौजूद हैं। देखिए, आपकी पीयूष ग्रंथि है, या आपकी थायराइड ग्रंथि है, या आपकी एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि है, या आपकी अग्नाशय हो गया, ये आपका स्त्री में अंडाशय की स्थिति और पुरुषों में वृषण, ठीक है। बूजो और पहली को याद है कि एक बार जब वो अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तो उन्होंने वहां काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ था एवं उभरा हुआ। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि इसका ग्रॉटल नामक व्याधि से ग्रस्त है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित थे, क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर सक रहा है। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एडिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एडिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनल एडिनेलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। एड्रिनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ये अपने हार्मोन स्रावित करती है। प्रयुष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति की सामान्य बुद्धि के लिए आवश्यक है। बात करते हैं कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने पर तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा सातवीं में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टैडपोल को भी वयस्क मेंढक में बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड
द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। क्रियाकलाप 13.10.3 किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्रित कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। बात करते हैं जननात्मक स्वास्थ्य। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। बात करते हैं किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र गति तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। याद कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है कि भोजन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो। हमारे भारतीय भोजन जिसमें रोटी चावल दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिससे उनकी जरूरत है। लोहे आयरन तथा रुधिर का निर्माण करता है तथा लोहे प्रचुर खाद्य जैसे पत्तीदार सब्जियां गुड़ मांस संतरा आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है। क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध मांस नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है। जो रक्षी भोजन है चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित रूप भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषण मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। अब चलते हैं क्रियाकलाप 10.4 यानी कि 10.4। अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाएं। उन खाद्यान्न खाद्य पदार्थों के नाम लिखें जो आपने पिछले दिन कल यानी कि नाश्ते दोपहर के भोजन रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाया था। याद रखिए इस तरह के जो भी क्रियाकलाप हुआ करेंगे उसे आप लोग जल्दी से पढ़कर निकल जाया करिएगा। ज्यादा ध्यान मत दिया करिएगा क्योंकि आपको कुछ शब्दों की परिभाषा जाननी है कुछ शब्दों के बारे में जानना है वो आपको पता चल जाता है। ठीक है। क्रियाकलाप 10.5 चित्र 10.6 से प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए जिसमें आप किशोर की इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करें। इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। ये मांस हो गया सब्जियां हो गई या आपके दूध और अंडे हो गए ये फल हो गए आपके या आपके खाद्यान्न हो गए। ठीक। बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को दिन प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करने के समय भली प्रकार धो लेना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतु स्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतु स्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतु स्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन
अथवा घरों पर तैयार किए गए कपड़ों के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। शारीरिक व्यायाम, ताजी हवा से टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के फिर लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना, बाहर खेलना चाहिए। भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं करें और ना करें। अध्याय 9 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के बारे में पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं पिछले थे जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिए गए जा रहे हैं। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणाएं जिनका कोई आधार नहीं है। ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़की को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। यह आपका बिल्कुल गलत है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है, यह भी आपका गलत होता है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है, ये भी बिल्कुल गलत है। अभी केरल वाला मुद्दा उठा हुआ था, आपने देखा होगा। अरे भाई, जिसने मुझे जन्म दिया उसी में फर्क, पता नहीं। आपको ऐसे अनेक अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं होगा। उनको उखाड़ फेंकिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे निकलिए, कहां भी दे। क्रियाकलाप 10.6, अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्रित कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तथा उनके आंकड़े भी एकत्रित कीजिए जो व्यायाम नहीं करते। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। नशीली दवाएं ड्रग्स की का निषेध करें। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित ना महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक कि दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में हानिकारक है या स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम से जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। बात करते हैं किशोर द्वारा गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसके कारण टीन आयु किशोर लड़कियां मां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से मां एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा है? प्रमुख शब्द देखें, एडम्स एप्पल एप्पल, किशोरावस्था एडेनिलिन संतुलित आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियां एस्ट्रोजन हार्मोन इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना है, यौनारंभ, जननात्मक स्वास्थ्य, गौण लैंगिक लक्षण, लिंग गुणसूत्र, लक्ष्य स्थल, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, स्वर्णयंत्र, इन सभी शब्दों की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अगर कोई आपसे पूछे तो आप लोग इनका जवाब देने के लिए तैयार होंगे। आपने क्या सीखा? यौनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है,
11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूल किशोरावस्था में स्वरयंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौनारंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन अथवा अन्य ग्रंथियों जैसे वेट्रन, अंडाशय, थायराइड, एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरोक्सिन का, एड्रिनल एडिनेलिन का हार्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतु स्राव या फिर रजोधर्म कहते हैं। आजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि योगमनज में एक्स एक्स गुणसूत्र या फिर अथवा एक्स वाई गुणसूत्र है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यवस्थित स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। एक आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं। ठीक, पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे आपको आगे कभी जरूरत पड़ती है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका 10वां चैप्टर। 11वें चैप्टर में बात करेंगे हम लोग बल तथा दाब के बारे में, देखेंगे।